नक्सलवाद की जन्मस्थली पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के विस्तार अभियान का शुभारंभ किया। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ये वो जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज जब नक्सलबाड़ी के गांव में कमल खिला हुआ देखता हूं, तो मन गदगद हो जाता है। शाह ने कहा कि नक्सलबाड़ी में आज मोदी जी के सबका साथ सबका विकास का नारा गूंज रहा है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि सोचा नहीं था कि दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी होगी। पार्टी की विकास की यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो विकास यात्रा का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबको साथ में लेने लेकर जाना चाहते हैं। बंगाल के अंदर ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए इस हाईकोर्ट में जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति कभी सही नहीं। तो हमारा नारा है, हमारा नारा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और बंगाल के अंदर कमल को खिलाने का काम करेगी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है। ये पार्टी ने हमेशा त्याग, बलिदान और परिश्रम के आधार पर पार्टी का विकास किया है। अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक नहीं सकती, जितना वो रोकेंगी उतना ही कमल खिलेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।